अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्जन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का एक या दोनों टेस्टिस ट्विस्ट कर जाते हैं। ये कंडीशन ज्यादातर 12 से 18 साल के नौजवानों में कॉमन रहती है, मगर इसके अलावा ये किसी भी उम्र के मर्दों को हो सकती है। टेस्टिस ह्यूमन मेल्स में पाए जाने वाले स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। टेस्टिस को बॉडी के साथ कनेक्ट करने वाले रीजन को स्पर्मेटिक कॉर्ड कहा जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड ब्लड वेसल्स और वॉल्स डेफरेंस पर मुश्तमिल होता है। जब कोई पेशेंट टेस्टिकुलर टॉर्जन का शिकार होता है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में ट्विस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे टेस्टिस को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अगर इस कंडीशन को 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रीट ना किया जाए तो टेस्टिस के जाया होने के चांसेस रहते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्जन की सबसे बड़ी वजह बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी है। आमतौर पर टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर सेक्रोटम से जुड़े होते हैं और इनके ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मगर बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी के मरीजों के टेस्टिस सेक्रोटम के साथ टाइटली अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को टेस्टिकुलर टॉर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा बाजों का टेस्टिकुलर टॉर्जन इंटेस्ट एक्सरसाइज या टेस्टिस पर कुछ लगने की वजह से हो सकते हैं। अगर कोई शख्स टेस्टिकुलर टॉर्जन का शिकार होता है तो उसे टेस्टिस में बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। इसके अलावा टेस्टिस स्वेल कर जाते हैं और ट्विस्टेड टेस्टिस दूसरे टेस्टिस से जरा ऊपर स्ट्रेच हो जाते हैं। ये सिम्टम जाहिर होने पर पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से टेस्टिस जाया हो सकते हैं। अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए देखता है कि कौन सा टेस्टिस ट्विस्ट हुआ है और कितना ट्विस्ट हुआ है। आमतौर पर टेस्टिकुलर टॉर्जन में 180 से लेकर 720 डिग्री का ट्विस्ट रहता है। इसके बाद डॉक्टर सर्जरी के लिए इस ट्विस्ट को रिवर्स करके टेस्टिस को सेक्रोटम के साथ अटैच कर देता है, ताकि फ्यूचर में दोबारा टेस्टिकुलर टॉर्जन ना हो। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।